फिलहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ मैं हूं रचना, शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट 100 की। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात जम्मू के पुंछ की, जहां पर पाकिस्तानी हमले में शहीद सेना के जवानों को आज पुंछ से जम्मू लाया जा रहा है। इसके पहले कल सेना ने सभी 5 शहीदों को सलामी दी। 5 शहीद जवानों में से 4 बिहार रेजिमेंट से और 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री का था। 2 शहीद बिहार के छपरा जिले के, 1 भोजपुर, 1 दानपुर और 1 शहीद महाराष्ट्र के कोल्हापुर का रहने वाला था। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह आज पुंछ के दौरे पर जाने वाले हैं। आर्मी चीफ वहां हालात का जायजा लेंगे। नियंत्रण रेखा से लगे इलाके में 6 भारतीय सैनिकों के गश्ती दल पर पाक सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। पाकिस्तानी हमले के बाद शहीदों के घर में मातम फैला हुआ है। बिहार के आरा के शंभू शरण की शहादत की खबर जब उनके घर पहुंची, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। 21 बिहार रेजिमेंट में तैनात शहीद लांस नायक शंभू शरण राय साल 1999 में फौज से जुड़े थे। छपरा के रहने वाले शहीद प्रेमनाथ के घर जैसे ही उनके शहीद होने की खबर पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। कोपा के समझौता गांव में पाक की कारस्तानी को लेकर गुस्सा है। शहीद प्रेमनाथ के घर वालों को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन मन में सरकार के रवैये से निराशा भी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले जवान पुंडलिक केरबा पुंछ में हुए हमले में शहीद हो गए। पूरा कोल्हापुर उनके जाबाज जवान की शहादत पर गर्व कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकी पर हुए पाकिस्तान के हमले को लेकर बीजेपी की युवा मोर्चा ने रक्षा मंत्री एके एंटनी के घर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई। रक्षा मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता रक्षा मंत्री पर सीमाओं की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री के घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। जम्मू कश्मीर में LOC के पास भारतीय चौकी पर पाकिस्तान के हमले को लेकर पुंछ में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुंछ में भारतीय चौकियों पर पाक सैनिकों के हमले के खिलाफ यूपी में भी लोगों में गुस्सा देखने को मिला। यूपी में पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। पुंछ में भारतीय सैनिकों की हत्या के विरोध में देहरादून में भी शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जाना चाहिए। कासगंज में लोगों ने पाकिस्तान की करतूत के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पुंछ इलाके में पाकिस्तान के काराना करतूत पर यूपी के हाथरस में गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे वो लगातार सीमा पर हमला कर रहा है। इसके पहले पाकिस्तानी हमले को लेकर संसद में मचे हंगामे के बीच सरकार ने बयान दिया। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने लोकसभा में कहा कि ये हमला निंदनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वी स्ट्रांगली कंडम दिस अनप्रोवोक्ड इंसिडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड स्ट्रांग प्रोटेस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, बट आवर आर्मी इज फुल्ली रेडी टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अफोर्ड द सैंक्टिटी ऑफ LOC। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने रक्षा मंत्री के उस बयान पर एतराज जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 20 आतंकी पाकिस्तानी सेना की वर्दी में भारतीय सीमा में घुसे और हमले को अंजाम दिया। जेटली ने कहा वो बयान पाकिस्तान को बचने का रास्ता देता है। पाकिस्तानी हमले को लेकर भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमीशन को तलब किया और फायरिंग को लेकर कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान डिप्टी हाई कमीशन को बताया गया कि पाकिस्तान की हरकत उकसाने वाली है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय जवानों पर फायरिंग करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने न तो सीज फायर का उल्लंघन किया है और न ही भारतीय चौकी पर फायरिंग की है। भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों के हमले के मुद्दे पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी अभी स्पष्ट करे कि वो भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ। SP मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पाक हमले को लेकर रक्षा मंत्री पर तंज कसा तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। आखिर क्या वजह है बताएं प्रधानमंत्री जी,
रक्षा मंत्री जी नहीं बता पाएंगे बेचारे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मामला ऐसा है जिसको हम जानते कौन बता सकता है। राज्यसभा में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अगर शांति को बनाए रखना चाहते हो तो युद्ध के लिए आपको तैयार रहना होगा, और अगर ये नहीं कर सकते तो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हरकत पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में तो यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान 5 मारता है तो हमें 50 मारने होंगे। अभी बदला लेने का टाइम आया, आप बदला लीजिए, खून का जवाब खून से दीजिए, गोली का जवाब गोली से दीजिए। हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, यही हमारी डिफेंस पॉलिसी है। संजय राउत यहीं शाम नहीं हुए, उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फौज को आजादी देने की भी अपील की। पाकिस्तान की चर्बी बहुत बढ़ गई है, ये चर्बी उतारनी पड़ेगी, लेकिन चर्बी उतारने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए, आर्मी को ताकत देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ विदेश नीति की समीक्षा होनी चाहिए। हमारी पार्टी का ये कहना है कि चीन और पाकिस्तान को लेकर तो जो हमारे देश की विदेश नीति है तो उसकी फिर से समीक्षा करनी चाहिए, वरना इसका हमें आगे चलकर बड़ा भारी नुकसान होगा। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मार रहा है और हम कबूतर उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, हमारे जवान का सर काट कर ले गया और सरकार सर झुकाए बैठी रही, हमारे जवानों पर हमला हो रहा है और हम इधर से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। पाक हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पाकिस्तान हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे रहें, लेकिन हमारी शराफत का बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तानी फायरिंग को सरकार गंभीरता से ले रही है। जो तक मामला है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इस मामले में निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की करतूत की वजह से दोनों मुल्कों की दोस्ती पर असर पड़ेगा। पीपल इन इंडिया विल नॉट वॉन्ट दैट देयर सोल्जर्स आर गोइंग टू बी कीप ऑन डाइंग एंड वी कीप ऑन टॉकिंग ऑफ फ्रेंडशिप, बोथ थिंग्स कैन नॉट गो ऑन एट द सेम टाइम। और वहीं एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि जुलाई में एलओसी पर लश्कर चीफ हाफिज सईद की मौजूदगी को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। हाफिज सईद जो आतंकवादियों का नेता है वो अभी दौरा करके गया था इसरा के, तो कभी सावधान हो जाना चाहिए था। जैश ए मोहम्मद के चीफ हाफिज सईद को जुलाई महीने में एलओसी में देखा गया था, बताया जा रहा है कि उसने ही पाक सेना को भारतीय आर्मी पर हमले के लिए उकसाया। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशान साधा। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता, और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान के हमले पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख अजय माकन ने ट्वीट करके बताया कि इस हमले से राहुल गांधी गहरे सदमे में है। राहुल ने गुजारिश की है कि पाकिस्तान के इस उकसावे वाली हरकत को सरकार गंभीरता से ले। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे खबर मिली है कि हमारे 5 जवान एलओसी पर शहीद हो गए हैं, उनके परिवार वालों के प्रति मैं संवेदनाएं जाहिर करता हूं। पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों में मातम पसरा है। बिहार के दानापुर के रहने वाले विजय कुमार राय का हमले में शहीद होने की खबर मिली, उनकी शहादत की खबर के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में बीती रात बदमाशों ने 17 साल की एक लड़की को घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अश्विन नाम के लड़के ने छोटे से झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की के गले में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली में बीती रात रोडरेज का मामला सामने आया। कश्मीरी गेट के पास ओवरटेक करने की टक्कर में दो कारें आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है दोनों कार सवारों ने जमकर हाथापाई भी की। फूड सिक्योरिटी बिल पर आज संसद में चर्चा की उम्मीद है। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने यह बिल सोमवार को मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में रखा था। सीबीआई ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आजादी के लिए गुहार लगाई है। सीबीआई ने मांग रखी कि जिन मामलों का मॉनिटर कोर्ट कर रहा हो उसमें सरकार से किसी तरह की इजाजत न लेनी पड़े। वहीं सरकार चाहती है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के और ऊपर के अफसरों की जांच से पहले सीबीआई मंजूरी ले। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े सभी दस्तावेज बगैर देरी के सीबीआई को सौंप दे। कोयला घोटाले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। सीबीआई से कहा गया है कि वो 29 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से खास बातचीत में शीला ने कहा कि अब राहुल को पीएम का पद संभाल लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ अब उनको ये पद संभाल ले चाहिए। उत्तराखंड त्रासदी में करीब 6000 लोगों के मारे जाने की आशंका केंद्र सरकार ने जताई है। लोकसभा में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि 580 शव मिले हैं, लेकिन जो 5,500 लोग लापता हैं उन्हें अब जिंदा नहीं माना जा सकता। मुस्लिम समाज के विरोध के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों में गीता पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने यूटर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बाबत जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द किया जाएगा। आईएस दुर्गा नागपाल के निलंबन के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस नींद से जागी है। खनन माफियाओं पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने अवैध खनन में लगे कई डंपरों को जब्त किया। दुर्गा मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सपा नेता नरेंद्र भाटी ने दुर्गा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी के विरोध में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने महिला आयोग में एक अर्जी लगाई थी। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। एमएल शर्मा नाम के वकील ने अर्जी में कहा है कि दुर्गा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी, इसीलिए उनका निलंबन कोर्ट की अवमानना है। यूपी सरकार ने अब आईएएस दुर्गा शक्ति पर व्यक्तिगत हमला बोलना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में कहा कि दुर्गा नागपाल क्या है, किस परिवार की है, उसका खुलासा करेंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे। सपा सरकार में कृषि राज्य मंत्री मनोज पांडे ने अब दुर्गा मामले में मुंह खोला है। मनोज पांडे ने जोर देकर कहा कि जिस वक्त दीवार गिराई गई दुर्गा वहां मौजूद थी। हालांकि मंत्री ने इस मामले को खत्म करने की बात भी कही। उधर यूपी वक्फ बोर्ड के खुद से जुड़ी एक समिति की ओर से दुर्गा शक्ति के निलंबन पर सवाल उठाने और उनकी तरफदारी करने संबंधी बयान से किनारा कर लिया गया है। बोर्ड के मुताबिक उससे ऐसी करीब 1.5 लाख समितियां जुड़ी हुई हैं और उनमें से किसी के भी बयान को बोर्ड का मत नहीं माना जा सकता। कानपुर में निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन वापसी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का अनशन जारी है। 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार दुर्गा का निलंबन वापस नहीं लेगी वो अनशन करते रहेंगे। एक तरफ जहां खनन माफिया पर नकेल कसने की सजा दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबन के रूप में मिली है, वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर के एसडीएम मोनिका रानी ने खनन माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोनिका ने अवैध खनन में लगी 4 जेसीबी मशीन और 4 डंपर जब्त किए। राजस्थान के जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले का विरोध जारी है। पोखरण में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। व्यापारियों ने जल्द से जल्द एसपी का तबादला निरस्त करने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया है कि तेलंगाना को अलग करने की प्रक्रिया तब तक शुरू न की जाए जब तक वो पार्टी की ओर से बनी 2 सदस्यीय समिति लोगों की चिंताओं पर कोई फैसला नहीं लेती। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि तेलंगाना का विरोध कर रहे कांग्रेसी सांसदों को समझाने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी भले ही अलग विरोध की मांग कर रही हो लेकिन शिवसेना इसके खिलाफ है। असम के कोकराझार में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग करते हुए बोडो छात्र संगठन की ओर से बंद बुलाया गया। बंद के दौरान कोकराझार और चिरांग जिले में मार्केट पूरी तरह से बंद रहा। चारा घोटाला मामले में जज बदलने की लालू प्रसाद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि लालू के वकील राम जेठमलानी से कोर्ट ने पूछा कि जब 2 साल से वही जज थे तो अब आपत्ति क्यों है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र गुप्ता पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मानहानि के आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने ये आरोप तय किए।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर मानहानि मामले में अपने और अपनी पत्नी साधना सिंह के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए। सोमवार को दोनों को कोर्ट पहुंचना था। एस्ट्रो जहां एनकाउंटर केस के आरोपी आईपीएस केपी पांडे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने गरीबी को लेकर एक हैरान करने वाला बयान दिया है। इलाहाबाद में उन्होंने कहा, गरीबी सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसका खाना और पैसों की कमी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार बीजेपी से निलंबित विधायक अमरनाथ गामी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की धमकी दी है। अमरनाथ गामी ने कहा है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है और इसी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सभाएं करेगी। इस अभियान का शंखनाद 11 अगस्त को सागर में होगा। झारखंड के रामगढ़ में बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के कच्छ में 1000 सिख गुजरात सरकार के फरमान से परेशान है। मोदी सरकार ने इनकी जमीन जब्त करने के पीछे तर्क दिया है कि लोग बाहर से आए हैं। रघुराम राजन रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। उनके नाम पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुहर लगा दी है। रघुराम राजन फिलहाल वित्त मंत्रालय में परेशान है। मोदी सरकार ने इनकी जमीन जब्त करने के पीछे तर्क दिया है कि लोग बाहर से आए हैं। रघुराम राजन रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। उनके नाम पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुहर लगा दी है। रघुराम राजन फिलहाल वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। 4 दिसंबर को रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर डी सुब्बाराव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रुपए की हालत सुधारने की आरबीआई की कोशिशें बेकार साबित हो रही है। रुपए में गिरावट का दौर जारी है। 25 पैसे की ताजा गिरावट के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 61.13 रुपए जा पहुंची है। रायपुर में मंत्री चरणदास महंत समेत 20 से अधिक वीवीआईपी के बंगलों में पानी घुस गया है। प्रशासन पानी निकालने की कोशिशों में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बीती रात जमीन फटने से दहशत फैल गई। 25 फीट लंबी और 20 फीट गहरी यह दरार लगातार फैल रही है। होशंगाबाद भूकंप के लिहाज से हाई रिस्क जोन में आता है। बिहार के छपरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां गंगा और सरयू नदियां उफान पर हैं। कुतुबपुर डोरीगंज इलाके के कई लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। जाहिर तरफ बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं कई लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। सूखे से परेशान किसानों ने सरकार से इलाके को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए मांग की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गश्त लगा रहे सीआरपीएफ का एक जवान चेरपाल नाले में बह गया। साथी जवान की कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अजमेर में एक शख्स को नशे में लड़की छेड़ना महंगा पड़ गया। लड़की की शिकायत के बाद घरवालों ने शराबी युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के चंदौली में लोगों ने एक पॉकेटमार की जमकर धुनाई कर दी। सब्जी मंडी में जब लोग सब्जी खरीद रहे थे, तभी जेब कतरे ने ग्राहक की जेब में हाथ डाला, लेकिन उस शख्स ने जेब कतरे को पकड़ लिया और उसके बाद लोगों ने पिटाई कर दी। एमपी के सतना में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। एक बार बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। जयपुर में एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक पिता की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घिनौनी करतूत सामने आई है। पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 45 साल के शख्स को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भैयालाल कुशवाहा नाम का शख्स सरेआम 3 लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेरठ में बदमाशों ने क्लिनिक में घुसकर एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। डॉक्टर के घर वालों का आरोप है कि कुछ बदमाश उन्हें रंगदारी के लिए धमकी दे रहे थे। नागपुर में एक महिला की कार से बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। गांधीबाग इलाके में ये महिला अपने लॉकर से 20 लाख रुपए निकालकर घर जा रही थी कि रास्ते में ही इसकी कार से बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। असम के डिब्रूगढ़ में तेंदुओं ने गांव वालों पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद गांव वालों ने तेंदुए को घेर कर मार डाला। बिहार के गया में स्कूली छात्रों ने जापान में हुए हिरोशिमा कांड की 68वीं बरसी पर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। जर्मनी की महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम स्वदेश लौट आई है। इससे पहले राज्यसभा में महिला हॉकी टीम को पूरे सदन ने बधाई दी।